एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग फाइनल अकाउंट के जो क्वेश्चन है ना उनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोग को बता दूं कि इसके पहले मैंने दो वीडियोस डाले थे फाइनल अकाउंट के ऊपर तो आप प्लीज उसको देखिएगा ठीक है क्योंकि जब आप लाइन से सारे वीडियोज देखोगे तभी आपको समझ में आएगा इसीलिए प्लीज उन दोनों वीडियोज को देखिए ठीक है लाइन से आपको पढ़ना है ठीक उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो अभी हम लोग करेंगे क्या तो देखो मैं आपको बताती हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना उसमें दो टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं एक तो सॉल्व वाले हैं यानी क्वेश्चन दिया गया फिर उसकी उसकी है फिर उसके नीचे उसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन हैं फिर उसके आगे जब आप जाओगे ना तो वहां पे कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन दिए गए हैं अनसॉल्व मतलब क्या जो सॉल्व नहीं किए गए हैं खाली बस क्वेश्चन दिया गया है और सॉल्यूशन आपको करना है खुद से करना है ठीक है तो मैं आपको कौन से क्वेश्चंस कराऊंगी जो अनसोल्व क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करवाऊंगी ठीक है बाकी सॉल्व वाले तो आप खुद से देख करके समझ सकते हो ठीक है वो बहुत आसान है आप लोग समझ सकते हो क्योंकि आपके सामने उसका सॉल्यूशन रहेगा लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी उसमें डाउट रहेगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो ओके अभी फिलहाल में मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी अनसोल्व क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ ठीक है ना तो आज हम लोग करेंगे आपका इलस्ट्रेशन नंबर वन ठीक है जो अनसोल्व प्रॉब्लम है पेज नंबर फिफ्टी फोर आप लोग प्लीज अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिएगा ठीक है टेक्स्ट बुक ओपन करना है उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है अमित भाई और नरेंद्र भाई ठीक है पेज नंबर फिफ्टी फोर पे जाइए वहां पर आपका पहला क्वेश्चन वो हम लोग यहाँ पर आज सॉल्व करने वाले हैं ठीक है ना तो अकाउंट सॉल्व करने के लिए यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक होना ही चाहिए इसीलिए टेक्स्ट बुक अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप ले लीजिए ओके टेक्स्ट बुक रहेगा तभी आप अच्छे से कर पाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे ओके और अभी आपको करना क्या है आई होप कि आप सभी लोगों ने टेक्स्ट बुक तो ले लिया होगा ठीक है तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे ना क्वेश्चन को रीड करेंगे क्या करना है पहला क्वेश्चन है ना आराम आराम से करेंगे भले ही ज्यादा टाइम लगे लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ठीक है एक बार आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई फिर उसके बाद हम लोग फटाफट से जा सकते हैं ठीक है तो क्या करना है चलिए पेंसिल ले लीजिए और टेक्स्ट बुक ले लीजिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे रीड करेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग अपनी, अपनी टेक्स्ट बुक में देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पे क्वेश्चन लिख करके समझाना इट्स नॉट पॉसिबल मैं अपनी टेक्स्ट बुक में रीड करूंगी आप अपनी टेक्स्ट बुक में रीड कीजिए ठीक है ना तो आ, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन चलो पढ़ते हैं और फिर समझते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप ध्यान से देखते जाइएगा ठीक है अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है इक्वली ठीक है मतलब ये पार्टनरशिप फॉर्म में चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो ठीक है उनको कैसा शेयर किया जाएगा अमित भाई और नरेंद्र भाई को क्योंकि ये पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हैं टू पार्टनर्स हैं ठीक है, है थीके? तो इनको कैसे शेयर किया जाएगा इक्वली इक्वली मतलब क्या होता है वन इज टू वन तो आप वहां पे लिख सकते हो वन इज टू वन ओके इस तरीके से आप लिख सकते हो समझ में है बराबर बराबर भागों में बांटना है यानी कि सपोज करो कि बीस हजार का प्रॉफिट हुआ तो नरेंद्र भाई को कितना मिलेगा दस हजार और अमित भाई को कितना मिलेगा दस हजार ठीक है इस तरीके से फिर आगे चलते हैं आगे क्या बोला जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट थर्टी फर्स्टेंडीन एंड बैलेंस एज ऑन दैट डेट देखो बच्चों अभी यहां पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये यह जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है और जो एडजस्टमेंट दिए गए हैं आप उनको देखिए उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को आप प्रिपेयर कीजिए ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन अभी चलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस में जो कुछ भी दिया गया है उसको पढ़ते हैं और उसके सामने लिखते जाते हैं कि कौन कहाँ पर जाएगा ठीक है तो मेरे साथ साथ आप लोग लिखिएगा मैं जो कुछ भी करते जाऊंगी आप लोग करते जाइएगा मेरे साथ साथ करोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा वरना मैं करवाते जाऊंगी आप बस देखते जाओगे फिर बाद में करने बैठोगे तो डाउट आएगा ठीक है इससे अच्छा है मेरे साथ साथ करो तो चलो डेबिट बैलेंस सबसे पहले देखते हैं डेविट बैलेंस मतलब इस साइड वाला ठीक है इस साइड वाला जैसे कि ये आपका सवाल है ठीक है ट्रायल बैलेंस है तो इसमें जो इस साइड वाला है जो भी आइटम्स पहले हम उनको देखते हैं बाद में ये क्रेडिट वाला देखेंगे ठीक है तो देखो सबसे ऊपर क्या है स्टूडेंट प्लांट एंड मशीनरी तो मैंने आपको क्या बताया था प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पर जाता है बताइए प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए क्या होता है असेट होता है राइट तो कहाँ पे जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा तो वहां पर आप पेंसिल से लिख लीजिए ए क्या लिखोगे ए इस तरीके से आपको लिखना चाहिए लिखे रहोगे तो अच्छा रहेगा ठीक है पहला सवाल है ना सब कुछ अच्छे से करेंगे उसके बाजू में लिख लो ए ए मतलब वो असेट साइड जाएगा ठीक है फिर उसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग ये किधर जाएगा वो भी हमारे लिए असेट होता है तो वहां पे भी आप लिख लीजिए ए उसके बाद सन्ड्रीडेटर्स तो सन्डी डेटर्स हमारे लिए क्या होता है आपको मैंने फॉर्मेट सब बताया था ना इसीलिए तो बोल रही हो कि आपको लाइन से सारे वीडियो देखने हैं लाइन से देखते हुए आओगे ना तो फटाक से जवाब दोगे संडे डेटर्स कहाँ पे जाएगा साइड तो वहां पर भी आप लिख लीजिए ए ठीक आगे बढ़ते हैं परचेस अब ये परचेस कहाँ पे जाता है परचेस क्या होता है हम लोग रॉ मटेरियल्स परचेस करते हैं ना ओके तो परचेस कर रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड है प्रोडक्शन से रिलेटेड है यानी ये कहाँ पर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड तो वहां पे आप क्या लिखोगे ऐसे लिख लीजिए टी डी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड या फिर यहाँ पे डी आर लिख लो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ठीक उसके बाद आगे बढ़ते हैं बैड डेट्स तो बैड डेट्स पे जाता है याद है आपको बैड डेट्स को आप लेकर के जाओगे किसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ठीक है बैड डेट्स मतलब क्या आ, किसी को आपने उधार पे मतलब सामान दिया ओके उसने आपका पैसा डुबा दिया अब आप आपको नहीं मिलने वाला तो वो आपके लिए क्या है बैड डेट्स है ना तो वहां पे आप क्या लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इस तरीके से आपको लिखना है फिर उसके आगे चलते हैं आप लोग देखते जाइएगा यहाँ पे आगे क्या है सेल्स रिटर्न तो अभी ये सेल्स रिटर्न क्या करेंगे हम पता है आपको जो हमारा सेल्स है ना उसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे ठीक है याद है आपको फॉर्मेट मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं वो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर क्या आता है सेल्स है। सेल्स आता है में से हम माइनस करते हैं राइट तो ये जो सेल्स रिटर्न है ना इसको हम लोग क्या करेंगे सेल्स में से माइनस करेंगे ठीक तो आप क्रेडिट uh, बैलेंस में देखिएगा क्रेडिट बैलेंस में यानी कि दूसरी साइड उधर देखो सेल्स दिया हुआ है दिखाई दे रहा है आप लोग को कैपिटल अकाउंट के जस्ट नीचे उधर क्या लिखा हुआ है सेल्स तो सेल्स को आप लोग टिक कर लीजिए क्योंकि हमें क्या करना है सेल्स में से वो जो सेल्स रिटर्न है उसको माइनस करना है ठीक है ना तो आप याद रखिएगा जब ये सेल्स लिखेंगे ना तो उसके साथ साथ हम ये जो सेल्स रिटर्न है वो भी उससे उसमें से माइनस उस कर देंगे ठीक है तो याद रखिएगा फिर यहाँ पे आगे चलते हैं आगे क्या है टेन गवर्नमेंट बॉन्ड ठीक है और फिर उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है परचेज ऑन अक्टूबर 2018 तो पता है आपको ये क्या है आपका हिडन एडजस्टमेंट है मतलब इसके ना दो इफेक्ट्स होंगे कभी कभी ना ट्रायल बैलेंस में इस तरीके से भी दिए रहते हैं ठीक है उसमें hidden adjustment रहता है उसमें हिडन एडजस्टमेंट रहता समझ में आ रहा है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं अब ये कैसे करना है क्या करना है मैं आपको बताऊंगी ठीक है अभी आपको बता दूं कि ये कहाँ पर जाएगा तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ठीक है गवर्नमेंट बॉन्ड आपने लिया तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा असेट हो जाएगा ठीक है तो वो असेट साइड जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे इसका टेन परसेंट निकालोगे अच्छा कैसे करना है मैं आपको समझा दूंगी जब वो आएगा तब ठीक है अभी मुझसे बताने लगे आप फालतू में कन्फ्यूज हो जाओगे तो कन्फ्यूज ज्यादा नहीं होना है ठीक है जब वो मैं करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा अभी फिलहाल के लिए बस उधर ए लिख करके रखो ठीक फिर आगे क्या है इंपोर्ट ड्यूटी तो इंपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या होता है हमने रॉ मटेरियल मंगाया ठीक है तो जब हम मंगा रहे हैं तो हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा टैक्स भी पे करना पड़ेगा तो ये अगेन किससे रिलेटेड है बताइए प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है तो कहाँ पर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड तो वहाँ पे आप लिख दीजिए टी डी ठीक है तो टी डी मैंने लिख दिया है आप लोग भी लिख लीजिएगा लीगल चार्जेस तो लीगल चार्जेस किससे रिलेटेड है बताइए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से राइट तो कहाँ पर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड वेरी सिंपल मोटिव पावर मोटिव पावर अगेन कहाँ पे फैक्ट्री में ये यूज होता है जो भी मशीनरीज वगैरह होती है तो उनको चलाने के लिए जो भी एनर्जी हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसको कहते हैं मोटिव पावर तो किससे रिलेटेड है फैक्ट्री से प्रोडक्शन से यानी कि वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा उसके बाद यहाँ पे आगे क्या है वेयर हाउस रेंट ठीक है किसका रेंट वेयर हाउस का रेंट यानी कि जो आप फिनिश गुड बना रहे हो उसको जहां पे रखोगे ओके दैट इज योर वेयर हाउस ठीक है तो वो कहाँ पर जाएगा बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड क्योंकि ये आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है समझ में आ रहा है आपको तो ये बात ध्यान में रखनी है वेयर हाउस जब भी लिखा रहे ना यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड उसको ट्रेडिंग में मत डालना ठीक है ट्रेडिंग में मत डालिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी फिर उसके बाद कैश इन हैंड कैश एट बैंक कहाँ पे आता है असेट साइड होता है बैलेंस शीट के असेट साइड में हो जाएगा क्योंकि चाहे पैसा आपके हाथ में हो चाहे पैसा आपके आपके बैंक में हो ठीक है वो आपके लिए असेट ही होता है आगे चलते हैं एडवर्टाइजमेंट तो एडवर्टाइजमेंट पे जाता है देखो अगेन यहां पर ना ये क्या है यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट दिया गया उसके नीचे अगर आप देखोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है फॉर टू ईर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जेन 2019 ओके okay, तो ये कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी इसके दो इफेक्ट्स होंगे पहला क्या होगा बताऊँ आपको पहला तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड हमने देखा था ना एडवर्टाइजमेंट जो रहता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है और दूसरा क्या होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आपके पास से क्या हुआ गुड्स गया ना तो वो कहां पे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड ठीक है तो कैसे करना मैं आपको समझाऊंगी अभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब अभी फिलहाल के लिए आप क्वेश्चन समझते जाइए फिर उसके बाद क्या है सैलरीज तो सैलरीज यहाँ पे सैलरीज uh, मतलब क्या होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड है तो ये क्या हो जाएगा uh, कहां पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड तो वहां पे आप लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट फिर उसके बाद रेंट अब देखो रेंट के आगे कुछ फैक्ट्री वगैरह कुछ दिया नहीं है यानी आप क्या कंसिडर करोगे कि ये ऑफिस से ही रिलेटेड है ओके तो आप वहां पे लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ठीक है थीका? फिर नीचे आते हैं अभी हम लोग तो ड्राइंग drawing, ड्रॉइंग uh, दिया गया है अमित भाई और नरेंद्र भाई का तो ये कहां पर जाएगा तो देखो आपको बताती हूँ अगर अगर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो ड्राइंग कहां पर जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा और अगर हमने करंट अकाउंट बनाया है ठीक है अभी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कब बनाना है अभी आपको बता देती हूँ रुकिए जरा अगर हमने करंट अकाउंट बनाया रहेगा ना तो फिर हमें क्या करना रहेगा ये जो ड्रॉइंग है उसको करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे ओके लेकिन अगर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है तो फिर इसको हम लोग कहाँ पे लेकर के जाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में ठीक है अब यहां पर हमको करंट अकाउंट बनाना है या फिर कैपिटल अकाउंट बनाना है ये हमें कैसे पता चलेगा तो यहाँ पे ये जो भी आइटम्स दिए गए हैं उसमें आप दोनों साइड में चेक करो दोनों साइड में चेक करो कहीं पे आपको करंट अकाउंट दिया है क्या चेक करो अगर आप क्रेडिट बैलेंस में देखोगे तो वहां पे कैपिटल अकाउंट तो दिया है अमित भाई और नरेंद्र भाई का लेकिन करंट अकाउंट कहीं पे भी नहीं दिया चेक कर लो दिया है क्या नहीं दिया ना मतलब यहाँ पर हमको बस कैपिटल अकाउंट ही बनाना है यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं बनाना है अगर आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया रहेगा तभी आपको करंट अकाउंट बनाना है नहीं तो फिर मत बनाओ खाली बस कैपिटल अकाउंट बना दो काम खत्म ठीक है तो ये बात आप लोग याद रखिएगा इसमें कोई करंट अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है नो no. तो फिर ओनली कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा ओके तो ड्रॉइंग को कहां पर लेकर के जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो वहां पे आप लोग लिख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर फर्नीचर क्या होता है हमारे लिए असेट होता है तो वहाँ पे ये लिख लीजिए बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल बताया था ना आपको बैलेंस शीट के असेट साइड क्योंकि ये हमारे लिए असेट होता है ना हमने बिल बनाया है ठीक है हमने किसी को सामान दिया तो बिल बनाया अब हमारे पास उसका पैसा तो आएगा जरूर आएगा तो वो हमारे लिए क्या है? असेट है राइट right. उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब क्या देखो प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है चाहे वो फ्री होल्ड हो या फिर लीज होल्ड हो राइट right? तो वो आपके लिए क्या है 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 तो वहां पे आप लोग लिख दीजिए ए ठीक वैसे एक बात आपको डेबिट बैलेंस में जो भी आइटम्स ये रहते हैं ना वो या तो आपके असेट होते हैं या फिर वो आ, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाते हैं ठीक है और जो आपके क्रेडिट बैलेंस रहते हैं ना वो या तो लाइबिलिटी होते हैं या फिर वो इन दोनों अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाते हैं ठीक है तो इसको आप थोड़ा ऐसे याद रखने की कोशिश कीजिए ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे हमने डेबिट बैलेंस देख लिया है मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अभी क्रेडिट बैलेंस पे चलते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या है कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट कहां पर जाएगा तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वहां पे लिख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड कहां पर जाएगा क्रेडिट साइड ओके उसके बाद यहाँ पर है सेल्स तो सेल्स कहां पे जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड वहां पे आप ऐसे लिख लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड कैसे लिखोगे ऐसे लिखना टी और फिर टी फॉर ट्रेडिंग सी आर फॉर क्रेडिट ठीक है फिर अगला क्या है यहाँ पे बिल्स पेएबल तो बिल्स पेएबल मतलब क्या हमें पे करना है हमारे पास से पैसा जाने वाला है पैसा जाने वाला है मतलब लाइबिलिटी होगा राइट तो वहां पे आप क्या लिखोगे एल सिंपली आप एल लिख लीजिए इस प्रकार से एल फॉर लाइबिलिटी ए फॉर एसेट ठीक फिर उसके नीचे जब आप देखोगे तो क्या दिया गया है डिस्काउंट अब देखो ये डिस्काउंट देख करके आप कंफ्यूज ना होना ये डिस्काउंट कौन से साइड में दिया है क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट में दिया गया है देख रहे हो ना कहां पे दिया है क्रेडिट में तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट हमें मिला है ओके हमने किसी को डिस्काउंट दिया नहीं है अगर वो डेबिट में होता है इसका मतलब हमने डिस्काउंट दिया है लेकिन यहां पर क्या है वो क्रेडिट में है यानी कि हमें डिस्काउंट मिला है हमको मिला है तो मिला है मतलब हमारे लिए इनकम होगा तो इनकम को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में तो कहा पे रिकॉर्ड करेंगे बताइए ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है या फिर डायरेक्ट इनकम है तो हमने सेल्स करके वो इनकम कमाया क्या नहीं नहीं हमको किसी पे डिस्काउंट मिला है ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम कहाँ पर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड तो लिख दीजिए वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड ठीक है समझे ना फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स अगेन आपके लिए क्या हो जाएगा लाइबिलिटी वहां पे एल लिख दीजिए आगे क्या दिया है देखो आरडीडी तो आर डी डी मतलब क्या होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ठीक है अभी इसका क्या करना है कैसे करना है वो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी अभी फिलहाल के लिए आप वहां पर लिखिएगा ओल्ड आर डी डी ये आपका क्या है ओल्ड आरडीडी है वहां पर लिख लीजिए ओल्ड आर डी डी ठीक है ना आगे चलते हैं अगला यहाँ पे बैंक लोन तो देखो भाई आपने बैंक से लोन लिया आपको चुकाना पड़ेगा अब पैसा जाने वाला है आपके पास से तो फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगा क्या होगा लाइबिलिटी होगा ठीक है आपके ऊपर ये क्या है लाइबिलिटी है आपके बिजनेस के ऊपर तो वहां पर एल लिखिएगा फिर जाके परचेज रिटर्न तो परचेज रिटर्न हम क्या करेंगे परचेज में से माइनस करेंगे ठीक है परचेज अमाउंट जो भी रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे तो एक काम कीजिए डेबिट बैलेंस में जो आपका परचेस है ना उसको आप लोग टिक कर लीजिए टिक किया सभी ने क्यों टिक कर रहे हैं ताकि हमको पता चले कि परचेस में से हमें कुछ ना कुछ माइनस करना है समझ में आ रहा है आपको उधर आपको ऐसे टिक कर लेना चाहिए देखो टिक करने के लिए बताती हो आप या तो ऐसे कर लो या फिर वहां पर स्टार बना सकते हो या फिर ऐसे गोला बना सकते हो आपकी मर्जी ठीक है कुछ ना कुछ तो बनाओ ताकि आपको पता चले कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है समझ में आ रहा है तो इस प्रकार से आपको करना चाहिए या तो ये करो या तो ये या तो ये आपकी मर्जी चाहे जो करना है करो बस करो ठीक है तो यहां पे हमने ये जो ट्रायल बैलेंस दिया गया था इसको पूरा अच्छे से पढ़ लिया है सब कुछ समझ लिया है अभी चलिए हम लोग एडजस्टमेंट पे चलते हैं तो एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया गया यहाँ पे छह एडजस्टमेंट दिए गए हैं तो बड़े ही ध्यान से इसको समझिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था क्या बताया था कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं मतलब कम से कम दो इफेक्ट्स होते हैं ठीक है, है? उससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम तो दो होने ही चाहिए ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं और फिर समझते हैं ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा वैसे ये पहला क्वेश्चन है ना इसीलिए आपको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली सम्स की ठीक है दो से तीन क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो मेरा यकीन करो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा फाइनल अकाउंट ठीक है तो बस मन लगा करके मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ते जाइए आपको पक्का समझ में आएगा और ये आसान भी लगेगा ओके तो पहला एडजस्टमेंट क्या है स्टॉक ऑन हैंड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन वॉज वैल्यूड एट फोर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज देखो बच्चों दिया गया है ना ये आपका क्या है क्लोजिंग स्टॉक है क्या है क्लोजिंग स्टॉक ठीक है तो अब ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर जाता है याद कीजिए याद कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है राइट और दूसरा उसका इफेक्ट कहां पर जाएगा तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे लिए क्या होगा असेट होगा ना ठीक है क्योंकि वो अभी बच चुका है तो हम लोग क्या करेंगे उसको आगे यूज करेंगे अगले साल में क्या करेंगे हम उसको यूज करेंगे ठीक है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा असेट हो जाएगा तो इसका पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा लिख लीजिए वहां पर ठीक है और फिर दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा असेट साइड तो कैसे लिखना है जैसे कि ये पहला एडजस्टमेंट दिया गया है तो उसको दो इस तरीके से लाइन खींचना है यहां पर लिखना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड यहां पे लिख लो असेट ठीक है इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं अगला यहां पे कि इंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज एट थाउजेंड अब इसको समझिएगा जो आपका आठ हजार का गुड्स था ना वो क्या हुआ चोरी हो गया स्टोलेन मतलब क्या चोरी हो गया ठीक है और वो कैसा था अन इंश्योर्ड मतलब हमने उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया था यानी कि हमें वो पैसा अभी नहीं मिलेगा है ना उसका क्लेम हमको नहीं मिलने वाला क्योंकि हमने उसका इंश्योरेंस ही नहीं करवाया था ठीक है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा राइट तो इसका पहला इफेक्ट क्या होगा पता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्योंकि हमारे पास से गुड्स जा रहा है तो वहां पे लिखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड दूसरा इफेक्ट क्या होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उसका दूसरा इफेक्ट होगा ठीक है क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है ना समझ में आ रहा है आपको तो लिख लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फिर दूसरा क्या लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ठीक नीचे आ जाइए तीसरे पे यहाँ पे क्या है क्रिएट आरडीडी एट टू परसेंट ऑन सन्ड्री डेटर्स अब देखो इसका क्या करना है आपको बताती हूँ ठीक है इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसके थोड़ा नीचे आप पढ़िएगा चौथा वाला ठीक है तीसरा वाला तो हमने पढ़ लिया ठीक है चलो वो अच्छी बात है पढ़ लिया पर ये चौथा वाला एक बार पढ़िए क्या दिया है मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकम इनसॉलवेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट ऑफ रूपीज फाइव हंड्रेड अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा सन्डरी डेटर्स मतलब होता क्या है हमारे जो कस्टमर्स हैं ठीक है थीके? उनसे जो हमको पैसा आने वाला है उसी को तो हम लोग तो है के जो थे ना वो क्या हो गए इनसॉल्वेंट हो गए यानी कि वो एकदम से कंगाल हो गए ठीक है तो वो जो है ना वो पांच नहीं दे पाएंगे ठीक है वो नहीं दे पाएंगे तो हम क्या करेंगे जितना अमाउंट हमको मिलने वाला था कितना मिलने वाला था बताइए कितना डेटर में देखो वहां पे लिखा होगा ठीक है जितना भी अमाउंट हमको मिलने वाला था उसमें से पांच सौ रुपए गया ना क्योंकि ये तो इंस्टॉलमेंट हो गए अब इनके पास कुछ पैसा ही नहीं है तो देंगे कहां से ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको सन्डी डेटर में से माइनस करेंगे उसके बाद उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा एडजस्टमेंट दिया गया है ना कि क्रिएट आरडीडी एट टू परसेंट ऑन संडीडेटर संडी डेटर के ऊपर दो परसेंट का आरडीडी ठीक है तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे डेटर में से पांच सौ रुपए को माइनस करोगे ठीक है क्योंकि वो अभी मिलने वाला नहीं है ठीक है उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर आप दो परसेंट आरडीडी कैलकुलेट करोगे क्या करोगे आरडीडी कैलकुलेट करोगे ठीक है तो अभी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ ना आपको लग रहा होगा ये सब क्या है तो ज्यादा चिंता मत कीजिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है तो इसका इफेक्ट कहां कहां पर जाएगा वो जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तभी आपको बता दूंगी चिंता मत कीजिए वैसे आप एक काम कीजिए बैड डेज जो दिया है ना उसको आप लोग टिक टिक मत कीजिए ठीक है उसको रहने दीजिए ऐसे ओके फिर आगे चलते हैं अगला यहाँ पर है पांचवा वाला देखिएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है अनपेड जो हमने पेड नहीं किया है ठीक है तो क्या क्या हमने पेड नहीं किया देखो रेंट हमने आठ सौ रुपया पेड नहीं, नहीं किया ठीक है हमने दिया ही नहीं और सैलरी हमने तीन सौ रुपया दिया ही नहीं तो क्या करेंगे हम ये जो रेंट है ना यहाँ पर कहा गया रेंट ये देखो यहाँ पर डेबिट साइड में रेंट दिया गया तो रेंट को आप लोग टिक कर लो क्योंकि क्य। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है ठीक है हमें क्या करना पड़ेगा रेंट में ये जो आठ सौ रुपए का रेंट है ना अनपेड ओके जो हमने पे नहीं किया है वो हमें पे करना पड़ेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे और ये हमारे लिए क्या होगा लाइबिलिटी होगा कि असेट होगा हमारे पास से पैसा जाने वाला है तो ये हमारे लिए क्या होगा लाइबिलिटी होगा मतलब इसका पहला इफेक्ट तो हम क्या करेंगे रेंट और जो सैलरी है उसमें से उसमें जा करके प्लस कर देंगे और फिर दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा ठीक है अब नीचे आ जाइए छठवां वाला देखते हैं डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाई टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फर्नीचर बाई वन थाउजेंड एट हंड्रेड तो यहाँ पर देखो फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है तो फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर जहां पे भी है उसको आप के उसको आप आप जा करके टिक टिक कर कर लीजिए देखो फैक्ट्री बिल्डिंग ऊपर ऊपर से दूसरा लो क्योंकि उसके एडजस्टमेंट है है ठीक कैसे एडजस्ट करना है मैं आपको बताऊंगी उसके बाद फर्नीचर फर्नीचर को भी आप लोग टिक कर लीजिए प्लीज फर्नीचर कहाँ पर है आपको बताती हूँ रुको कहीं पे तो हमने देखा था ना प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री बिल्डिंग तो फर्नीचर भी इसी में कहीं ना कहीं पे तो होगा ये देखो यहाँ पे नीचे से आप तीसरा आइटम देखो फर्नीचर है ठीक है तो फर्नीचर को आप टिक कर लीजिए क्योंकि उसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है ठीक है तो आई होप कि आपको मेरी इतनी बातें समझ में आ गई होंगी समझ में आई है कि नहीं ओके हमने क्वेश्चन तो समझ लिया अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है तो कैसे होगा सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इस प्रकार से अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर जाके पार्टनर्स कैपिटल और फिर जाके बैलेंस शीट ओके तो अभी कैसे करना है क्या करना है मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है क्या लिखोगे इन द बुक्स ऑफ ध्यान से देखो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है ठीक है इन द बुक्स ऑफ नाम क्या है दोनों पार्टनर्स के पहले का नाम है अमित भाई दूसरे का नाम है नरेंद्र भाई तो यहां पर हम लिख देते हैं अमित भाई एंड नरेंद्र भाई ठीक ये हमने लिख दिया अब हम क्या करेंगे पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले यहां पे आप लिखिएगा डेबिट ये होता है आपका डेबिट और ये साइड आपका क्या होता है क्रेडिट ठीक है और यहां पर अभी लिखेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च देखो वहां पे ट्रायल बैलेंस में क्या दिया गया है कौन सा डेट दिया है तो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन ओके तो यहां पर हम लिख देंगे टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक है फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा तो यहां पर ये वाला जो हमारा कॉलम है इसमें हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स आप लोग भी मेरे साथ प्लीज बनाते जाइएगा ठीक है आप लोग भी ऐसे बनाते जाइए पर्टिकुलर्स उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे इन रूपीज ओके अमाउंट किस में रुपीज में फिर यहां पर भी लिखेंगे क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स। फिर जाके इधर अमाउंट और अमाउंट ठीक तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट उसके बाद इसके जस्ट नीचे हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक है इधर लिखेंगे हम डेबिट और इधर क्या लिखेंगे क्रेडिट लिखेंगे ठीक है और यहां पर लिखिएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट ठीक है वैसे जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना उसमें अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना दोनों एक ही में दिया गया है तो वैसे भी कर सकते हैं पर ऐसे अलग अलग करोगे तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है तो आप लोग ऐसे अलग अलग ही बनाइएगा ओके उसमें दोनों एक ही में मिला करके दिया है ओके आप लोग देखना उसमें दोनों एक ही में दिया है पर हम लोग अलग अलग करेंगे ठीक है यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स उसके बाद अमाउंट फिर यहाँ पर भी अमाउंट ठीक है तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो यहां पर लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक इसमें भी लिखेंगे हम डेबिट और यहां पर लिखेंगे हम क्रेडिट ओके यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स अब इसमें क्या लिखना है तो अभी इसमें हम क्या करेंगे ना जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके नाम लिखेंगे तो पहले पार्टनर कौन है अमित भाई तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अमित भाई समझे इसमें ना पार्टनर्स के नाम आते हैं फिर दूसरे कौन है नरेंद्र भाई तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नरेंद्र भाई ठीक है तो आप लोग पूरा लिख लीजिएगा इसमें थोड़ी सी जगह कम है आप लोग अपनी नोटबुक में पूरा स्पेस लेकर के बनाइएगा एक पेज पे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइएगा दूसरे पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर जाके तीसरे पे ये बनाइएगा चौथे पे ये बनाइएगा ठीक है तो अभी मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे लिख रही हूँ पर आपके पास तो पूरा जगह रहेगा ना अमित भाई और नरेंद्र भाई ठीक है नरेंद्र भाई पूरा यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा ये हो गया उसके बाद अभी हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट देखो बैलेंस शीट कैसे लिखना है इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं आता है ओके याद रखिएगा यहां पे आपको लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन इस प्रकार से लिखा जाता है बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू नाइनटीन ठीक है इधर हम क्या लिखते हैं लाइबिलिटीज तो यहां पर लिख देते हैं लाइबिलिटीज फिर यहां पर अमाउंट लिखेंगे यहां पर भी अमाउंट लिखेंगे फिर यहाँ पर असीट्स अमाउंट और यहाँ पर भी अमाउंट ठीक है तो ये देखिए हमने ये पूरा फॉर्मेट बना दिया है तो आपको इसी प्रकार से बनाना है तो अगर आपने नहीं बनाया होगा तो प्लीज वीडियो को पॉज करो यहीं पर और बनाओ ठीक है है मैंने पहले ही बोला है, मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते जाइएगा ओके तो बनाइए अपनी नोटबुक में जल्दी से तो चलिए सभी ने फॉर्मेट तो बना ही लिया होगा अभी हम लोग पोस्टिंग करना चालू करते हैं तो चलिए देखते हैं ट्रायल बैलेंस में देखिएगा डेबिट बैलेंस में पहला आइटम क्या है प्लांट एंड मशीनरी तो वहां पे आपने क्या लिखा है ए लिखा है मतलब कि असिड ठीक है और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना तो इसका अमाउंट हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं तो क्या है दो लाख अस्सी हजार लिख देते हैं यहाँ पर टू लैख एटी थाउजेंड ओके okay, ये थोड़ा और उधर लेकर के जाना चाहिए ये देखिए टू लैख एटी थाउजेंड राइट फिर उसके नीचे आ जाइए फैक्ट्री बिल्डिंग अभी देखो फैक्ट्री बिल्डिंग को क्या किया है हमने टिक किया है यानी कि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है अब उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो आप क्या करोगे एक लाइन छोड़ दोगे देखो आपको बताती हूँ कैसे यहां पर हम लिखेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री बिल्डिंग का अमाउंट कितना है तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड यहाँ पर हम लिखेंगे इनर कॉलम में सेवेंटी फाइव थाउजेंड क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ठीक है और फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे मतलब इतना हम छोड़ देते हैं ठीक है इतना हम छोड़ देते हैं फिर अभी नीचे आ जाइए क्या दिया है वहां पर सन्ड्री डेटर्स तो सन्ड्री डेटर हमारे लिए क्या होता है असेट होता है और उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है ठीक है और कितने एडजस्टमेंट है दो एडजस्टमेंट है कैसे एक तो वो पाटिल इंसॉलवेंट हो गए थे तो उसका हमें वहां पे एडजस्टमेंट मतलब उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और दूसरा आरडीटी भी वहां पर दिया गया था ठीक है मतलब इसके लिए हमको ना तीन लाइन छोड़ना पड़ेगा देखो आपको बताती हूँ कैसे यहाँ पे हम लिखते हैं अगला संड्री डेटस ठीक है सन्डरी डेटस अमाउंट क्या है तो अमाउंट है यहाँ पे ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो इधर लिख देते हैं ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड ठीक है अब इसके ऊपर कितना एडजस्टमेंट है तो दो है ठीक है याद रखिएगा दो क्यों क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया वो पाटिल वाला और आरडीटी तो उसके लिए हमें कितना लाइन छोड़ना पड़ेगा देखो एक तो यहाँ पर उसके बाद फिर इसके नीचे मतलब इतना हमको छोड़ना पड़ेगा यानी कि तीन से चार लाइन आप लोग छोड़ दीजिए ठीक है मैंने तो इतना छोड़ दिया हो जाएगा इतने में फिर उसके नीचे आ जाइए अगला क्या है यहाँ पे परचेस तो परचेस कहाँ पर जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड राइट तो यहाँ पर अभी ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ओके okay, इसके डेबिट साइड में क्या लिखेंगे टू परचेज यहाँ पे लिख देते हैं टू परचेस और परचेस को देखिए हमने टिक किया है कि नहीं हमने टिक किया है ना मैंने आपको बोला था उसको टिक कर लो क्योंकि उसके ऊपर उसमें से हमें क्या करना है परचेस रिटर्न को माइनस करना है ओके okay? तो इसका जो अमाउंट है ना उसे हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे तो परचेस कितना है एटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके थोड़ा छोटा है पर आपको समझ में आ रहा होगा एटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड मैंने लिख दिया उसके बाद क्या है यहाँ पे बैड डेट्स है तो बैड डेट्स कहाँ पे जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू बैड डेट्स और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है देखो बैड डेट जब भी आता है ना तो पता है कैसे लिखने का पहले इसका अमाउंट कितना है वो देखते हैं पाँच सौ रुपये लिख दिया मैंने यहाँ पे पाँच सौ ठीक है तो इसमें आप समझ लीजिए आपको हर बार ये लिखना ही है बैड डेट्स आया ना तो यहाँ पे लिखने का प्लस ठीक है क्या लिखोगे पता है आपको बताती हूँ सुनिएगा बड़े ध्यान से और आपको यह बार बार लिखना ही है याद कर लो इसको चाहिए तो यहाँ पर लिखने का न्यू बैड डेट्स ठीक है अगर ये सब कुछ दिया है क्वेश्चन में तो अच्छी बात नहीं दिया है तो डैश डैश कर देने का ठीक है लेकिन आप लिख ही लिया करो न्यू बैड डेट्स लिखना उसके बाद यहाँ पे लिखना चाहिए आपको न्यू आर डी, डी डी क्या लिखना है न्यू आर डी डी ठीक उसके बाद एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे माइनस करके लिखना ओल्ड आर डी डी ठीक है तो जब भी डेट्स लिखते हो ना तो आप इतना लिख ही लिया करो क्या लिखोगे डेट्स के नीचे प्लस न्यू डेट्स ठीक है मतलब आगे कोई डेट्स रहेगा तो वो हम क्या करते हैं इसमें प्लस करते हैं उसके बाद प्लस न्यू आरडीडी फिर जाके एक लाइन छोड़ना उसके बाद यहाँ पे ओल्ड आरडीडी को हम लोग लेस करते हैं ठीक है तो इसे आप लोग याद रखिएगा उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न हमें क्या करना चाहिए सेल्स में से माइनस करना चाहिए ठीक है मैंने आपको पहले ही बताया था तो अभी हम करेंगे क्या सेल्स हम लोग कहाँ पे लिखेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड मतलब यहाँ पर हम लोग सेल्स लिखेंगे तो चलिए लिख लेते हैं बाई सेल्स ठीक है अभी सेल्स में से हमें क्या करना है सेल्स रिटर्न को माइनस करना है तो यहाँ पे लिखते हैं सेल्स रिटर्न इसका अमाउंट क्या दिया है लिख लेते हैं सेल्स रिटर्न का यहाँ पे अमाउंट दिया है दो हजार दो सौ तो लिख लेते हैं यहाँ पर टू थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है ना ये हमें लेस करना है और जब भी सेल्स आएगा तब हम यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद लेस करके जो भी अमाउंट आएगा उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे ठीक है तो आप लोग भी इतना फटाफट से कर लीजिए उसके बाद से आगे बढ़ते हैं अगला यहाँ पर है टेन परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड ठीक है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा असेट तो यहाँ पर असेट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे इतना लाइन मैंने छोड़ा था इसके लिए फिर यहाँ पर ओके अभी यहाँ पर लिखते हैं टेन परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड अमाउंट क्या है इसका फोर्टी थाउजेंड देखते हैं टेन परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड ठीक है फोर्टी थाउजेंड तो ये देखिए मैंने यहां पे अमाउंट लिख लिया है फोर्टी थाउजेंड ठीक है अब इसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है हिडन एडजस्टमेंट है ठीक है तो ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है ना इतने का हमने खरीदा तो ये हमारे लिए असेट हो जाएगा अब उसके बाद इसके ऊपर हमको टेन परसेंट का क्या मिलता है क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे लिखा है ना टेन परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड यानी कि हमें इसके ऊपर टेन परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है तो फोर्टी थाउजेंड का टेन परसेंट क्या हो जाएगा चार हजार होगा आप जानते ही हो आप इधर निकाल करके देख लो ना यहाँ पे लिखा मैंने फोर्टी थाउजेंड हमें कितना परसेंट चाहिए टेन परसेंट तो यहाँ पे टेन अपॉन हंड्रेड करोगे राइट क्योंकि टेन परसेंट को हम कैसे लिख सकते हैं टेन अपॉन हंड्रेड करके लिख सकते हैं अब यहाँ से जीरो जीरो को कैंसिल कर दो चार हजार आ जाएगा ठीक है अब उसके नीचे गवर्नमेंट बॉन्ड के नीचे जरा देखिए क्या लिखा हुआ है परचेज ऑन अक्टूबर यानी कि वो जो गवर्नमेंट बॉन्ड है ना वो हमने कब खरीदा तो एक अक्टूबर 2018 को खरीदा तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक आप जोड़िए कितने महीने हो रहे हैं जोड़िए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च छे महीने हो रहे हैं मतलब आपको इंटरेस्ट भी कितने महीने का मिलेगा छह महीने का ही मिलेगा क्योंकि आपने एक अक्टूबर 2018 को उसको खरीदा है पूरे एक साल का नहीं तो यहाँ पर ये जो टेन परसेंट निकाला है ना ये पूरा एक साल का है लेकिन मुझे तो छह महीने का ही यहाँ पे रिकॉर्ड करना है राइट तो अभी क्या करेंगे ये पूरा एक साल का है तो छे महीने का कितना होगा बताओ ये आप कैसे फाइंड करोगे तो इसका हाफ कर दो ना क्योंकि ये एक साल का है तो छे महीने का कितना दो हजार यहाँ पे लिख देते दो हजार ठीक है तो इतना इंटरेस्ट हमको ये साल में मिलेगा इस गवर्नमेंट बॉन्ड से ठीक है तो अब ये पैसा क्या आपको मिल चुका है बताइए मिला है क्या कहीं क्रेडिट साइड में ये अमाउंट दिया गया है आप देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ये अमाउंट दिया गया है क्या क्रेडिट में आप चेक करो दिया है क्या अगर वो अमाउंट क्रेडिट में दिया रहता तो हम क्या समझते कि हमें वो पैसा मिल चुका है लेकिन अगर वो क्रेडिट में नहीं दिया है इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो अभी तक हमको मिला नहीं है ठीक है मिला नहीं है मिलने वाला है मतलब हमको मिलेगा ना तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा असेट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसमें देखो ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है ना इसमें हम लोग ये दो हजार को प्लस कर देंगे क्योंकि ये हमें मिलेगा जरूर मिलेगा क्योंकि हमने ये परचेज किया है ठीक है तो हमको उसके ऊपर तो ये जो इंटरेस्ट है वो तो मिलेगा ही राइट तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखिएगा प्लस या फिर कई लोग ऐसे भी लिखते हैं एड या फिर लेस भी लिखते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर प्लस या फिर माइनस ऐसे करके भी लिखोगे तो भी चलेगा ठीक है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इंटरेस्ट अक्रूड ठीक है मतलब ये इंटरेस्ट अभी तक आपको मिला नहीं है मिलने वाला है ओके तो यहाँ पे हम लोग ये टू थाउजेंड को प्लस कर देंगे तो प्लस करके बताइए कितना होता है फोर्टी टू थाउजेंड ठीक है अब ये जो इंटरेस्ट है ठीक है तो इसके दो इफेक्ट जाएंगे क्योंकि ये एडजस्टमेंट है हिडन एडजस्टमेंट है समझ में आ रहा है आपको तो पहला तो ये हो गया अभी दूसरा कहाँ पर जाएगा तो ये हमारे लिए क्या होगा इनकम होगा ना बताइए डायरेक्ट इनकम होगा कि इनडायरेक्ट होगा अरे भाई इनडायरेक्ट होगा ना डायरेक्ट कैसे होगा हम ये आ, कोई अपना गुड्स बेच करके थोड़े ना कमा रहे हमने तो इन्वेस्टमेंट किया है तब जाके हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम मतलब कहां पर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड तो यहां पर ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना इसके क्रेडिट साइड में आप इसको लिख दीजिए क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे बाई अच्छा ये जगह किसके लिए छोड़ दिया अभी यहाँ से जो ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिलेगा ना वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ठीक है इसके लिए मैंने इतना छोड़ दिया है ओके तो क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अक्रूड ठीक है इंटरेस्ट इंटरेस्ट अक्रूड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड ठीक है गवर्नमेंट बॉन्ड पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है कितने का दो हजार का यहाँ पे लिख देंगे दो हजार ओके बस इतना ही करना है समझेगी नहीं ये वाला आपको समझ में आया ना कभी कभी ट्रायल बैलेंस में भी हिडन एडजस्टमेंट दिया रहता है ओके okay. चलिए आगे बढ़ जाए आगे बढ़ते हैं अगला यहां पर क्या है अगला आइटम इम्पोर्ट ड्यूटी तो इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड इम्पोर्ट ड्यूटी का अमाउंट कितना है एक हजार आठ सौ तो यहां पे हम लिख देते हैं टू अभी देखो इसके लिए हमें जगह छोड़ना है ओके okay, एक लाइन छोड़ना है तो यहाँ पे लिखेंगे अभी टू इम्पोर्ट ड्यूटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक फिर उसके नीचे क्या है लीगल चार्जेस तो लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड तो यहां पे लिखते हैं ये तो इधर हो जाएगा ठीक है यहां पे लिखते हैं टू लीगल चार्जेस अमाउंट कितना है अमाउंट भी मेरे साथ साथ आप लोग कीजिएगा दो हजार तो यहां पर लिख देते हैं दो हजार इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना तो बस सीधे सीधे आप दो हजार लिख दीजिए ठीक है फिर उसके बाद मोटिव पावर तो मोटिव पावर कहाँ पर जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड तो लिख देते हैं इसका अमाउंट है आपका बारह हजार ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं टू मोटिव पावर बारह हजार ठीक फिर अगला यहाँ पे वेयर हाउस रेंट ठीक है तो वेयर हाउस का रेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड तो यहाँ पे लिखते हैं टू वेयर हाउस रेंट अमाउंट देख लेते हैं एक हजार आठ सौ तो यहां पर लिख देते हैं वन थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक आगे बढ़ जाते हैं यहां पे है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक तो कहां पे जाता है ये ये दोनों आइटम्स कहां पे जाते हैं तो ये असेट होते हैं हमारे लिए तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक यहां पे लिख देते हैं कैश इन हैंड कैश एट बैंक अमाउंट देख लेते हैं तो अमाउंट है आपका देखो ध्यान से बीस हजार और सत्तर से देखते नहीं है हमको पता ही नहीं चलता कौन किसका है इसीलिए आप जब भी करते जाओ ना ऐसे टिक करते जाने का पेंसिल से ठीक है तो यहाँ पे सत्तर हजार मैंने लिख दिया फिर उसके बाद क्या है तो एडवर्टाइजमेंट अभी एडवर्टाइजमेंट कहां पर जाएगा तो देखो ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है ना इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है क्योंकि नीचे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है फॉर टू ईर्स ओके हमने एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो दो साल के लिए कितना दिया है दस हजार ओके और फिर यहाँ पे आ, आगे क्या बोला जा रहा है विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी टू मतलब इसका जो इफेक्ट है ना वो जो एडवर्टाइजमेंट है उसका इफेक्ट कब से शुरू हो रहा है तो एक जनवरी 2019 से ये शुरू हो रहा है ठीक है तो अभी इसको कैसे करना है क्या करना है मैं आपको बताती हूँ देखो इसके लिए हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा तो वर्किंग नोट के लिए मेरे पास जगह नहीं है आप लोग अपनी नोटबुक में प्लीज करते जाइएगा इसको भी करते जाइएगा ठीक है वर्किंग नोट आपको पता है ना किया जाता है अकाउंट में ठीक है एग्जाम में भी आपको करके दिखाना चाहिए वर्किंग नोट ऐसे लिखा जाता है वर्किंग नोट ठीक है पहला कर रहे हो तो पहला दूसरा कर रहे हो तो दूसरा इस प्रकार से आपको दिखाना चाहिए ठीक है तो अब ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा बस यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कितना दिया है दस हजार ठीक अब ये कितने साल के लिए है दो साल के लिए देखो वहां पे लिखा है फॉर टू इयर्स कितने सालों के लिए दो सालों के लिए तो एक साल का कितना होगा इसका आधा कर देंगे इसका हम लोग हाफ कर देंगे तब जाके हमको एक साल का मिल जाएगा ठीक है अब आगे क्या बोला जा रहा है कि इसका जो इफेक्ट है ना वो कब से शुरू हो रहा है एक जनवरी दो से ठीक है मतलब ये साल में कितना महीना आएगा तो जनवरी फरवरी मार्च खाली बस तीन महीना ठीक है तो हमें यहाँ पे तीन महीने का फाइंड आउट करना पड़ेगा तो थ्री अपॉइंट ट्वेल्व लिख देंगे ठीक है मेरी बातों को समझो ओके दस हजार है दो सालों का एक साल का कितना होगा इसका हाफ कर देंगे समझेगी नहीं उसके बाद हम यहाँ पे थ्री अपॉन ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें बस तीन महीने का ही चाहिए ठीक है तो सबसे पहले इसका आधा करो कितना आएगा दस हजार का आधा करोगे तो पांच हजार आ जाएगा ठीक है उसके बाद अभी इसको हम लोग थ्री अपॉन ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि तीन महीने का ही हम निकालेंगे है ना क्योंकि इसका इफेक्ट शुरू हो रहा है एक जनवरी से तो चलिए यहां पे कैलकुलेट करते थ्री वन जै थ्री थ्री फोर जै ट्वेल्व फोर से अभी इसको कैंसिल करो फोर वन जो फोर इसमें से वन बचेगा फोर टू जट इसमें से टू बचेगा फोर फाइव जै ट्वेंटी कितना आया एक हजार दो सौ पचास रुपए कितना एक हजार दो सौ पचास ठीक है तो अब इसको करना कैसे है ध्यान से समझते रहिएगा मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले ये जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं टू एडवर्टाइजमेंट कितना दिया है दस हजार यहाँ पे मैंने दस हजार लिख दिया ठीक है अभी ये साल का हमारा कितना आ रहा है बताइए एडवर्टाइजमेंट पचास ना तो यहाँ पर अभी बाहर आप क्या लिखोगे वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी क्योंकि ये साल एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा हो रहा है बस इतना ही ठीक है बाकी तो सभी आगे के हैं ना क्योंकि मार्च के बाद तो दूसरा आपका साल शुरू हो जाएगा ठीक है दूसरा वो फाइनेंशियल ईयर होगा हमें बस इस ईयर का ही रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये पूरा हम एक ही साल का कर रहे हैं समझ में आ रहा है आपको तो अभी क्या होगा यहाँ पे दस हजार में से इतने को माइनस कर दीजिए जीरो में जीरो गया जीरो में से पाँच जाएगा पांच फिर आठ में से दो जाएगा तो ठीक है आठ में से इधर आठ नहीं नौ ठीक है नौ में से दो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सात ठीक है फिर नौ में से इधर नौ बचेगा नौ में से एक जाएगा आठ ठीक है तो ये जो एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी आया है ना ये हमारे लिए क्या हो जाएगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट यानी हमने पहले से इतना पेड कर दिया है मतलब अगले साल आपको अगले साल नेक्स्ट ईयर आपको ये पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे ये जो एडवर्टाइजमेंट टेन थाउजेंड दिया गया है इसमें से हमने क्या किया इसको लेस किया प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट को हमने क्या किया लेस किया तब जाके हमको फिफ्टी मिला समझेगी नहीं प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से आपको लिख करके इधर दिखाना चाहिए ठीक है अभी अगले साल आपको इतना अमाउंट देना नहीं पड़ेगा तो ये आपके लिए क्या हो गया असेट हो गया ना क्योंकि अगले साल आपको नहीं देना है क्योंकि आपने तो पहले से ही दे दिया है जो भी प्रीपेड रहता है ना उसे हम लोग असेट साइड में लिखते हैं तो क्या करेंगे हम इसको यहाँ से उठाएंगे एट थाउजेंड सेवन फिफ्टी को और ये असेट साइड में ला करके लिख देंगे तो यहाँ पर अभी लिखते हैं हम प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट ठीक है ध्यान से बातों को आप लोग समझते जाइए समझ में आएगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी ठीक है चलिए आगे बढ़ जाऊँ अभी मैं समझ में आया ना इसके दो इफेक्ट तो हमने दे दिए पहला इफेक्ट यहाँ पर आ गया और दूसरा इफेक्ट वहां पर चला गया ठीक है आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला यहाँ पे है सैलरीज ओके okay, अभी देखो सैलरीज के ऊपर क्या है हमने टिक किया है यानी उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो क्या करोगे आप सैलरी लिखोगे उसके बाद आप उसके लिए एक लाइन छोड़ोगे ओके okay, तो यहां पर हम लिखते हैं टू सैलरीज देखो यहां पर लिखते हैं टू सैलरीज इसका अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है तो देखो यहाँ पे अमाउंट क्या दिया है थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड तो यहां पर हम लिख देते हैं थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड ओके एक लाइन छोड़ देंगे इसके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना है क्योंकि हमने उसको टिक किया है फिर उसके नीचे रेंट है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अभी उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है क्योंकि देखो रेंट को भी हमने टिक किया है तो यहां पर लिखते हैं टू रेंट एक हजार सौ ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है ड्रॉइंग्स ठीक है तो ड्रॉइंग में अमित भाई और नरेंद्र भाई का दिया गया है तो ड्राइंग को कहाँ पर लिखते हैं पता है आपको कहाँ पर लिखते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ओके तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम टू ड्रॉइंग अकाउंट आपको इस प्रकार से लिखना है बार बार बता रही हूँ टू ड्रॉइंग अकाउंट तो अमित भाई ने कितना निकाला है तो दो हजार चार सौ तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दो हजार चार सौ और नरेंद्र भाई ने कितना लिया तो तीन हजार दो सौ यहाँ पर लिख देते हैं तीन हजार दो सौ ठीक आगे बढ़िएगा फर्नीचर अभी देखो फर्नीचर को भी हमने टिक किया है यानी कि फर्नीचर के ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फर्नीचर और इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे ठीक है यहाँ पे फर्नीचर का अमाउंट कितना है तो वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड यहाँ पे लिखते हैं वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना तो एक लाइन छोड़ देना है आपको फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल अभी उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप सीधे सीधे यहाँ पर लिख दीजिए बिल्स रिसिवेबल थोड़ा नीचे चलते हैं। अमाउंट इसका है ट्वेंटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड यहां पर डायरेक्ट हम आउटर कॉलम में लिख देंगे ट्वेंटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिर उसके बाद है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो अगेन ये आपकी प्रॉपर्टी है ना तो आप यहां पर लिख दोगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो आपके लिए असेट होगा समझेगी नहीं तो कितना है अमाउंट अमाउंट देखते हैं फोर्टी वन थाउजेंड यहाँ पे मैंने लिख दिया फोर्टी वन थाउजेंड ओके तो यहाँ पर हमने सारे डेबिट बैलेंस तो देख लिए ये साइड का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है समझ में आ रहा है आपको तो इतनी तो पोस्टिंग हमने कर ली ध्यान से इसको देखिए और अगर आपने अभी तक नहीं लिखा होगा तो फिर से बोल रही हूँ वीडियो यहीं पर रोको और लिखो ठीक है तो लिख लीजिए पहले तो इसको इतना उसके बाद हम लोग फिर क्रेडिट बैलेंस पे चलते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं डेबिट बैलेंस तो हो गया अभी क्रेडिट पे हम लोग चलेंगे तो क्रेडिट बैलेंस में देखो पहला क्या दिया है कैपिटल अकाउंट ठीक है तो अब ये कैपिटल अकाउंट कहाँ पर जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा ठीक है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ठीक है आप याद रखिएगा जो भी अकाउंट रहता है ना उसमें उसका नाम नहीं आता है ओके जैसे इसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे क्या लिखोगे बाय बैलेंस डाउन ओके तो अब देखो यहाँ पर अमित भाई का जो कैपिटल है वो कितना है थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड तो यहाँ पर अमित भाई के कॉलम में हम लोग लिख देंगे थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ बहुत ज़्यादा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है ना आप देख सकते हो तो यहाँ पर हम लिख देंगे थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक फिर जो नरेंद्र भाई हैं उनका कैपिटल थ्री लैख दिया गया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे थ्री लैख ठीक अब आगे बढ़ते हैं अगला यहाँ पे है सेल्स तो सेल्स कहाँ पर आएगा आपको पता है यहाँ पर सेल्स का अमाउंट कितना दिया है वन लैख एटी थाउजेंड तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वन लैख एटी थाउजेंड ओके अब हमें क्या करना पड़ेगा देखो इसमें से माइनस कर रहे हैं ना सेल्स में से दो हज़ार दो सौ को हम लोग माइनस कर रहे हैं तो माइनस करके कितना आता है चलिए देखते हैं एक लाख अस्सी हज़ार में से दो हज़ार दो सौ को माइनस कर दो चलो देखते हैं कितना आता है ज़ीरो में ज़ीरो गया तो जीरो फिर जीरो में से ज़ीरो गया तो ज़ीरो दस में से दो जाएगा तो इधर आ जाएगा आठ फिर ये दस ठीक है नौ में से दो गया तो सात और फिर यहाँ पे कितना बचा तो इसने एक उसको दिया था तो यहाँ पे सेवन आ जाएगा यहाँ पे वन यानी कि वन लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड यहाँ पर आ जाएगा ठीक है ना तो आप लोग ये माइनस करके देख लीजिएगा ठीक है वैसे सही है अब आगे चलते हैं अगला आइटम यहाँ पर दिया गया है बिल्स पेएबल तो बिल्स पेएबल कहाँ पर जाएगा क्या लिखा है आपने लाइविलिटी ना तो लाइब्रेटी में हम लोग लिख लेते हैं अभी देखो लाइब्रेटी में हमें क्या करना होता है ना इतना जगह तो आप छोड़ दिया करो क्योंकि यहाँ पर हमको कैपिटल लिखना पड़ता है ओके तो इतना छोड़ देने का फिर उसके नीचे आपको लिखना है बिल्स पेबल और वर्किंग नोट भी आपको बनाना है भले ही मैं मिटा दे रही हूँ लेकिन आप प्लीज बनाइएगा ठीक है तो अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं इतना छोड़ दिया मैंने यहाँ पे लिख देते बिल्स पेबल अमाउंट कितना है अमाउंट है यहाँ पर 8500 ठीक है यहां पे लिख देते 8500 फिर उसके नीचे आ जाइए डिस्काउंट तो मैंने आपको बताया था ये डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया है यानी कि हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है ये हमारे लिए इनकम है तो कहां पर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड तो, तो यहां पर हम लिख देंगे बाय डिस्काउंट अमाउंट लिखते हैं अमाउंट इज हाउ मच वन थाउजेंड टू हंड्रेड सो यहां पर हम लिख देंगे वन थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है आगे बढ़ते हैं क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स कहाँ पे आता है क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स ओके okay. कितना अमाउंट है इसका थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके यहाँ पर लिखते हैं थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक नीचे आ जाइए आर डी डी अब ये क्या है आपका ओल्ड आर टी डी मैंने आपको उधर बताया था ना इधर ओल्ड आर टी डी लिखना तो लिखा है ना आप लोगों ने अभी ओल्ड आर टी डी कहाँ पर लिखा हुआ है बताओ तो सही बैड डेट्स में आ जाइए ओल्ड आर टी डी लिखा है ना तो वो अमाउंट आप उठाइए और यहाँ पर ला करके लिख दीजिए कितना दिया है दो हजार सात सौ तो सीधे सीधे यहाँ पर लिख दो हजार सात सौ क्या कर रहे हैं हम लेस कर रहे हैं ना तो जब भी लेस करते तो ऐसे ब्रैकेट में लिखने का ओके ठीक नीचे आ जाइए बैंक लोन बैंक लोन क्या होता है लाइबिलिटी कितना दिया है पंद्रह हजार तो यहाँ पे हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे बैंक लोन पंद्रह हजार यानी कि फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है फिर उसके नीचे परचेस रिटर्न तो purchase return क्या करना होता है परचेज में से माइनस करना होता है तो ये है आपका परचेज इसमें से आप परचेज रिटर्न को माइनस कर दीजिए यहाँ पे लिखते हैं परचेज रिटर्न ठीक है तो परचेज रिटर्न कितना है देख लीजिए दो हजार तो हम क्या करेंगे दो हजार को इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस कर देते हैं देखो जीरो में से जीरो गया तो जीरो आ जाएगा फिर जीरो में से जीरो गया तो जीरो पांच में से जीरो जाएगा तो पांच और फिर उसके बाद पांच में से दो जाएगा तो तीन और यहाँ पे एट क्या आ गया एटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है दिख रहे है ना आपको साफ साफ एटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक तो ये हो गया हमारा परचेज समझेगी नहीं तो देखो हमने यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस भी पूरा कर लिया है आप लोग देख सकते हो राइट अब हम लोग चलेंगे किस पे एडजस्टमेंट पे ठीक है तो ट्रायल बैलेंस में हमने क्या क्या किया आपको समझ में आया ना चलिए अच्छी बात है अभी एडजस्टमेंट पे चलते हैं तो पहला वाला एडजस्टमेंट देखो वहां पे स्टॉक दिया ना ये आपका क्या है क्लोजिंग स्टॉक तो कहाँ पे जाता है इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ठीक है यहाँ पे आपको लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक फोर्टी थ्री थाउजेंड ओके यहाँ पे लिख देते हैं फोर्टी थ्री अब ये हमारे लिए क्या होता है असेट भी होता है तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक फोर्टी थ्री थाउजेंड ठीक है ना फिर उसके अच्छा ये तो हो गया पहला वाला एडजस्टमेंट कंप्लीटेड ठीक है दो इफेक्ट हमने दे दिया पहला यहाँ पर दूसरा वहां पर ओके okay. अभी नीचे आ जाइए दूसरा यहाँ पे है अन इंश्योर्ड गुड्स यानी कि हमने जो गुड का इंश्योरेंस नहीं करवाया ओके तो उसका हमारा क्या हो गया नुकसान हो गया ना क्योंकि वो चोरी हो गया मतलब हमारे लिए नुकसान ही है ठीक है तो पहला इफेक्ट आपने क्या लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड तो क्या लिखोगे यहां पर बाई गुड्स लॉस बाई थेफ ठीक है तो यहां पर लिख देते हैं इसको कैपिटल में लिखते हैं बाई गुड्स लॉस्ड बाई

तो दूसरा भी यहाँ पर हो चुका है ठीक है दूसरा एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुका है अभी तीसरे पे आ जाएंगे तो देखो तीसरा करने के भी पहले आप चौथे को करिए ठीक है समझ में आ रहा है ऐसे आगे पीछे देखने का चौथा वाला सबसे पहले करो उसके बाद हम लोग तीसरे पे जाएंगे तो क्या दिया यहाँ पे मिस्टर पाटिल क्या हो चुके हैं इनसॉल्वेंट हो चुके हैं मतलब वो पांच सौ रुपया नहीं दे सकते तो आपको जितना भी पैसा मिलने वाला था इतना पैसा मिलने वाला था जिसमें से पांच सौ रुपये गया क्योंकि वो इनसॉल्वेंट हो चुके हैं तो ये आपके लिए क्या है न्यू बैंडेट्स ठीक है ये तो पुराना वाला है ठीक है ये आपका बेडिट्स ऑलरेडी वो ट्रायल बैलेंस में दिया गया था राइट right? अभी फिर से नया बेडिट्स आपको मतलब आपके पास आया आपको जानकारी मिली कि ये जो है ना ये मिस्टर पाटिल वो इंस्टॉलमेंट हो चुके कंगाल हो चुके ये आपको पैसा नहीं दे सकते ठीक है तो पहला इफेक्ट आप आ, इसका कहां पर लेकर के जाओगे न्यू बेडिट्स में लिखोगे ठीक है इसीलिए तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा था प्लस न्यू बेडिट्स मतलब पांच तो आपको पहले से पता है कि नहीं मिलने वाला ठीक है इतना नहीं मिलेगा और फिर बाद में आपको पता चला कि पांच और नहीं मिलेंगे हमें ठीक है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे न्यू बेड में फाइव लिख देंगे और फिर इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा तो ये जो हमारा सनडी डेटर्स है ना इसमें भी हम लोग लिख देंगे ठीक है इसमें से हम क्या करेंगे लेस करेंगे देखो आपको इतना अमाउंट मिलने वाला था जिसमें से अभी आपको पांच सौ रुपये नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे न्यू बेड डेट्स ठीक है तो एक बार इसको आप समझ लीजिए यहाँ पर लिख देंगे हम फाइव हंड्रेड इतना पैसा आपको अभी नहीं मिलने वाला क्योंकि पाटिल जी नहीं देने वाले हैं समझे ना तो माइनस करके बताइए कितना आता है तो जीरो में जीरो जाएगा जीरो जीरो में जीरो जाएगा जीरो में से पांच जाएगा दो और फिर यहाँ पे आठ और यहाँ पे दो अट्ठाईस हजार दो सौ यहाँ पर आ गया ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई तो देखो हमने वो जो हमारा चौथा एडजस्टमेंट दिया गया था उसके दो इफेक्ट तो हमने दे दिए ना पहला इधर ठीक है यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर हो गया ना अब उसके बाद तीसरे पे आप आ जाइए अभी तीसरे पे आना पहले चौथा वाला उसके बाद फिर अभी तीसरे पे आ जाना क्या दिया वहां पर Create at 2 on sundry data. अभी आपको दो परसेंट क्रिएट करना है, है. मतलब आपको क्या है कि doubt है कि 2 जो है है जो ना जितना भी अमाउंट है इसका 2 आपको नहीं मिलेगा। okay? समझ में आ रहा है आपको तो क्या करेंगे हम इसके ऊपर दो परसेंट करेंगे तो चलो देखते हैं कि इसका दो परसेंट क्या होता है तो वर्किंग नोट में कीजिएगा ट्वेंटी एट थाउजेंड टू हंड्रेड इसका टू परसेंट क्या हो जाएगा तो देखो डबल uh, जीरो से डबल जीरो कैंसिल टू टू झा फोर एट टू जिक्सटीन वन कैरी टू टू झा फोर वन फाइव यानी फाइव हंड्रेड सिक्स रुपीज अभी आपको नहीं मिलेगा ठीक है मतलब इतना आपको डाउट है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिला तो अच्छी बात लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको पता नहीं है तो ये क्या हो गया आपका आरडीडी समझ में आ रहा है आपको तो अभी आप इसको कैसे लिखोगे तो समझिएगा मेरी बातों को यहाँ पर अभी हम लिखेंगे माइनस ठीक है इतना आया ना अभी इसको छोड़ दीजिएगा इसके नीचे वाली लाइन में यहाँ पे लिखिएगा न्यू रिजर्व ओके न्यू रिजर्व लिखो या फिर न्यू आर डी डी चलो आर डी डी लिख देते हैं इधर आर डी डी लिखा है ना तो इधर भी आर डी डी लिख देते हैं न्यू आर डी डी एट द रेट टू परसेंट ठीक है कितना आया है फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर चलिए माइनस कर देते हैं और देखते हैं कि कितना आता है तो दस में से चार जाएगा तो छः आता है फिर यहाँ पर नौ नौ में से छः जाएगा तो तीन आता है फिर यहाँ पे कितना बचा एक तो ग्यारह में से पाँच जाएगा तो छह आता है और इधर सात और इधर दो कितना आ गया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स ठीक है समझ में आया आपको तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है उसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा ये तो पहला इफेक्ट है अभी दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा न्यू आर ठीक है न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेक्स कितना फाइव ठीक है अब देखो हम क्या कर रहे हैं बैड डेट्स में इन तीनों को मतलब बैड डेट्स में इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो प्लस करते हैं देखो जीरो 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 चार आ जाएगा जीरो जीरो छह आ जाएगा फिफ्टीन इधर क्या आया वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर ठीक है और इसमें से हमें इसको लिस्ट करना है अब देखो बच्चों एकदम ध्यान से देखना ठीक है यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बट ध्यान से देखो आपको समझेगा ठीक है बताती हो इधर क्या है ओल्ड आरडीडी जो है ना इसका अमाउंट क्या है टू और यहाँ पे क्या आया है 1564 यानी कि ये आपका बड़ा है मतलब अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूँ तो मेरा आंसर किस में आएगा बताइए माइनस में आएगा ना क्योंकि छोटे में से बड़े नंबर को हम लोग माइनस कर रहे हैं ठीक है तो अभी ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए ओके क्या किया जाए तो एक काम करेंगे क्या काम करेंगे देखो आपको बताती हूँ एक काम करो सबसे पहले तो टू में से इसको घटा दो माइनस कर दो ठीक है तो दस में से वैसे हर बार ऐसा नहीं होता लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है अगर यहाँ पर आ, समझ लीजिए उल्टा होता मतलब ये अमाउंट ज्यादा होता ये कम होता तब आप सीधे सीधे माइनस करके यहाँ पे लिख देते कोई प्रॉब्लम नहीं है चलेगा लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ये बड़ा है ये छोटा है तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए वो आप याद रखिए ठीक है पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया आपको कन्फ्यूज करने के लिए पर डोंट बी कन्फ्यूज मैं आपको बताते जाऊंगी दस में से चार गया तो छ फिर यहाँ पे नौ में छ जाएगा तीन और इसमें छे में पांच गया तो एक और इधर एक वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स ये आ रहा है आपका एक्सेस अमाउंट तो क्या करोगे पता है इधर आप कुछ भी मत लिखना इधर इधर आप डैश कर दो ओके okay. क्योंकि माइनस में आंसर आएगा ना तो माइनस में मत लिखो ये जो अमाउंट आपको मिला है ना उसे आप क्या करो क्रेडिट साइड में लिख दो क्या करोगे क्रेडिट साइड में इधर ये माइनस में आ रहा था जब इसको क्रेडिट साइड में लिखोगे ना तो ये माइनस में नहीं आएगा प्लस में आएगा ठीक है तो अभी आप इसको लिखोगे कैसे मैं आपको बताती हूँ देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई ओके, बाई क्या लिखोगे आप यहाँ पे आरबीडी लिख सकते हो आरबीडीडी अकाउंट ठीक है मतलब ये क्या है आपका एक्सेस रिजर्व है ऐसे ना ब्रैकेट में लिख दो एक्सेस रिजर्व समझे इस प्रकार से आपको लिख करके दिखाना है ओके कितना आया वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स समझेगी नहीं तो एक बार आप इसको समझ लीजिए उसके बाद जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे ठीक है तो इस तरीके से आपको लिखना है जब ये ज्यादा आया ना मतलब ऐसे माइनस में आ रहे तो उसको इस साइड ट्रांसफर कर देने का फिर वो पॉजिटिव हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से आपको करना है इसके दो इफेक्ट हमने दे दिए ना वो जो टू परसेंट था देखो कर दिया हमने ठीक है समझ में आया कि नहीं आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी मेरी बातें है ना आगे बढ़े अभी चलिए आगे चलते हैं पक्का समझ में तो आया ही रहेगा ठीक है ऐसे लिखना है आर बी अच्छा ये इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब ये होता है रिजर्व फॉर बैड डाउटफुल डेट्स यहाँ पे लिखिएगा बाई आर बी डी, डी डी अकाउंट याद कर लीजिए ना और ब्रैकेट में आप लिख देना एक्सेस रिजर्व ठीक है इसका अमाउंट भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है आगे बढ़ते हैं पांचवे पे आ जाइए पांचवा एडजस्टमेंट बुक में देखते जाइएगा टेक्स बुक ही सबसे मेन हथियार है उसको कहीं पे जाने मत देना उसमें ही आपको देखना है टेक्सट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए उनकी प्रैक्टिस कर ली बस आपका काम हो गया समझ लो फिर आपको दूसरा कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है चलिए चलते दूसरे पे पांचवे पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस रेंट और सैलरी यहाँ पे दिया गया है तो रेंट और सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट था ना ये देखो मैंने यहाँ पे लाइन भी छोड़ा है तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है अनपेड यानी कि जो हमें पेड करना बाकी अभी तक तो हमने दिया नहीं है तो क्या करेंगे हम ये सैलरी में प्लस करेंगे ठीक है आउटस्टैंडिंग है समझ में आ रहा है आपको तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग yeah. इस प्रकार से आपको लिखना चाहिए तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया है देख लो जरा तो तीन सौ रुपया दिया है तो यहाँ पर हम लिख देते थ्री हंड्रेड ठीक ये 500 थोड़ा नीचे लिखती हूँ 1500 थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं चलिए अभी इसको प्लस करते हैं तो जीरो प्लस जीरो 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 प्लस जीरो जीरो आठ और तीन कितना होता है आठ नौ दस तो ग्यारह वन गहरी तीन एक चार चार हजार एक सौ रुपये आ गया यहाँ पर ठीक है और फिर रेंट भी यहाँ पे दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट इज हाउ मच एट हंड्रेड रुपीज तो अभी हम क्या करेंगे इसमें प्लस करेंगे यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ठीक है आउटस्टैंडिंग रेंट है ना अनपेड है पेड करना बाकी है देना पड़ेगा आपको आठ और एक हजार पाँच सौ तो देना ही है लेकिन उसके ऊपर से ये भी देना है चल प्लस करते जीरो जीरो आठ पांच कितना होता है आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह दो हजार तीन सौ ठीक है ये दो हजार तीन सौ है अच्छे से लिखते हो थोड़ा तो ये तो आपका पहला इफेक्ट हो गया दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा हमें पेड करना है हमारे पास से पैसा जाने वाला है तो लाइबिलिटी होगा राइट तो ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ पे आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ठीक है ऐसे हेडिंग डालना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो क्या क्या है एक तो रेंट है दूसरा सैलरी है तो रेंट कितना आठ रुपया और सैलरी कितना तीन रुपया दोनों को जोड़ दीजिए 8 दिन कितना होता है 11 यहाँ पे आ जाएगा 1100 ठीक है ग्यारह हजार नहीं 1100 ओके गलती नहीं करनी है तो ये हमने कर दिया समझ में आया आपको पांचवा एडजस्टमेंट समझ गए बहुत अच्छे अभी लास्ट वाला देखिएगा डिप्रिसिएशन ओके तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर कितना दिया है दो हजार पांच सौ रुपए ठीक है ये जो आपका फैक्ट्री बिल्डिंग है ना ये दो हजार पांच सौ रुपए से क्या होता है डिप्रिसिएट होता है ठीक है तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे डिप्रिसिएशन हमेशा माइनस किया जाता है घटाना पड़ता है ठीक है तो यहाँ पे माइनस का साइन अभी लिख देंगे हम डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो कितना दिया है दो हजार पाँच सौ रुपया तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड चलो माइनस करते जीरो में जीरो गया जीरो जीरो में जीरो गया जीरो दस में से पांच जाएगा तो पांच फिर चार में से दो जाएगा तो दो सेवेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है फिर उसके बगल में देखो फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन दिया गया है एक हजार आठ सौ रुपए तो फर्नीचर हमने यहाँ पर लिखा था अभी यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे उसके बाद लिखेंगे इसके बगल में डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखते हैं इसके ऊपर भी है ना डिप्रिसिएशन तो लिखना पड़ेगा ठीक है कितना दिया है एक हज़ार आठ सौ वन थाउजेंड एट हंड्रेड चलो अभी माइनस करते हैं जल्दी से जीरो में जीरो गया ज़ीरो जीरो में जीरो गया जीरो आठ में से आठ जाएगा तो जीरो पाँच में से एक जाएगा तो चार ठीक है पाँच में से एक गया तो चार यहाँ पे नौ आ जाएगा और यहाँ पे एक मतलब इधर आया क्या वन लैक नाइन्टी फोर थाउजेंड ठीक है दिखाई दे रहा है ना आपको प्रॉपरली ओके जूम करके मैं दिखा दूंगी चिंता मत कीजिए ऐसे पास में कर दूंगी आपको दिखेगा ठीक है वन लैक नाइन्टी फोर थाउजेंड यहां पे आया हुआ है तो ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा पता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे देप्रेशियेशन। अभी डेप्रिसिएशन हमको किसकी किसके ऊपर हुआ तो यहां पर देखा था ना हमने डेप्रिसिएशन हमको फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर तो यहाँ पर फैक्ट्री बिल्डिंग लिख देते हैं उसके बाद फर्नीचर ठीक है तो फैक्ट्री बिल्डिंग आप देख लीजिए कितना हुआ था फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ गया 2500, तो यहाँ पर लिख देंगे 2500 रुपए, फिर जाके फर्नीचर तो फर्नीचर के ऊपर 1800, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1800, दोनों को प्लस कर देते हैं तो जीरो प्लस जीरो 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 प्लस जीरो जीरो, जीरो आठ पाँच तेरह होता है दो तो एक तीन एक चार हजार तीन सौ रुपये यहाँ पर आ गया है ठीक है फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो हमारे एडजस्टमेंट थे ये भी हमने कर लिया ट्रायल बैलेंस भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया एडजस्टमेंट भी कर लिया तो अब हमें आगे क्या करना है सब कुछ तो कर लिया आप लोग देख सकते हो सारी पोस्टिंग हमने कर ली ठीक है अब आगे हमको क्या करना है अब ज्यादा कुछ नहीं करना बस अच्छा उसमें अभी तक कुछ भी नहीं लिखा अभी लिखेंगे ठीक है अभी यहाँ पे और भी कुछ आएगा अभी देखते जाइएगा आप लोग चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं ऐसे प्लस करते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों को प्लस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा है मैंने आपको क्या बताया था अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा तो फिर हमको क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट होगा ठीक है और अगर डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा तो फिर हमको क्या होगा ग्रॉस लॉस होगा तो चलो चेक करते हैं हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे इन तीनों को पहले तो प्लस कर दो यहीं पर करूँ मैं चलो करते हैं वन लैक देखो आपको एग्जाम में कैलसी अलाउड नहीं है इसीलिए आप ऐसे हाथ से ही जोड़ के प्रैक्टिस करना समझे ना नहीं तो अभी से कैलकुलेटर लेकर बैठो के बैठोगे फिर उसकी आदत हो जाएगी इधर आठ फिर सात तीन दस आठ अठारह सात सात एक आठ आठ चार बारह यहाँ पे एक और टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड आया है आपका क्रेडिट बैलेंस ठीक है क्रेडिट बैलेंस कितना आया ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है और अगर मैं डेबिट को प्लस करूँ तो ये क्रेडिट वाला है याद रखना ओके okay, चलो डेबिट को करते हैं तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो कहाँ पर लिखूँ चलो इसके नीचे ज़ीरो प्लस जीरो ज़ीरो 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 जीरो इधर भी ज़ीरो पाँच आठ तेरह तेरह दो कितना होता है पंद्रह पंद्रह का पाँच वन कैरी फिर जाके तीन एक चार एक पाँच एक छः और यहाँ पर आठ सही है ना आठ ओके आठ यहाँ पर 86,500 ठीक है तो बताओ कौन सा ज्यादा है ये है आपका क्रेडिट और ये है आपका डेबिट सही किया है ना एक बार फिर से ट्राई करते हैं मतलब एक बार फिर से जोड़ करके देखते हैं नहीं तो गलती होगी तो फालतू में क्या फ़ायदा रुको एक बार फिर से मैं करती हूँ जीरो 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 ओके लाइन से लिख करके करना चाहिए ऐसे जल्दबाजी में करेंगे ना तो गलती हो जाएगी और इसमें अगर गलती हुई फिर तो आपका दिमाग चकराएगा बड़ा गुस्सा आता है जब भी अकाउंट में ऐसे गलती होती है तो जीरो ज़ीरो आठ पाँच तेरह तीन एक चार चार दो छे एक साथ ये देखो गलती की थी मैंने और डेबिट साइड क्या है कम है तो फिर हमें क्या करना चाहिए बताइए यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ अरे भाई हमको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ क्योंकि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड तो जिसका भी अमाउंट ज्यादा है उसे हम क्या करेंगे इसमें लिख देंगे दोनों ही अब ठीक है इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे तो कितना है टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड तो लिख देते हैं यहाँ पर टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड इधर भी लिखेंगे टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड अब आगे बोलो आगे क्या किया जाए रुको रुको बताती हूँ आराम आराम से करेंगे ठीक है सब कुछ अच्छे से करना है समझना है हमको टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड अरे ये अच्छे से लिखा ही नहीं रहा हाँ ये लो लिख दिया मैंने ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें से ना इसको माइनस करते हैं तो जीरो में जीरो गया जीरो जीरो में जीरो जाएगा जीरो आठ में तीन जाएगा तो पाँच आ जाएगा फिर आठ में सात जाएगा तो सात आठ एक आ जाएगा और बारह में से नौ जाएगा नौ दस ग्यारह बारह तीन और यहाँ पर आ, न, क्या आएगा एक वन लैख थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या आया तो यहाँ पर मैं लिख दो देखो यहां पर हम लिखेंगे वन लैक थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और इधर क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस याद रखिएगा बैलेंस नहीं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ना तो ग्रॉस प्रॉफिट जब भी होता है तो इधर लिखने का ग्रॉस लॉस होता है तो इधर लिखने का ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट डाउन क्या लिखोगे इधर ब्रॉड डाउन मत लिखना ब्रॉड डाउन इधर लिखना होता है इधर लिखेंगे हम डाउन कितना ग्रॉस प्रॉफिट हमको कितने का, 1 1 का हो रहा है वन लैख थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का हो रहा है ठीक है बात समझ में आ रही है आपको तो इतना तो हमने कर लिया चलिए ट्रेडिंग अकाउंट का तो काम खत्म ठीक है अब इसकी तरफ हमको देखना भी नहीं है अब बारी है इसकी ठीक है अभी इसमें क्या क्या करना है देखो आपको बताती इसको सबसे पहले यहां से हटाओ अभी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिला है ना ये अमाउंट किस में है डेबिट में है तो इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे बाई Uh, क्या लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट आपको लिखना है ठीक है यहाँ पे लिखेंगे हम बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन ठीक है इधर लिखा था कैरी डाउन इधर लिखने का ब्रॉड डाउन ओके जब इधर से इधर ट्रांसफर करते हैं ना ब्रॉड डाउन लिखने का वन लैख थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है इतनी बात समझ में आ गई अब क्या करना है दोनों साइड को प्लस करो देखो कौन सा ज्यादा है अगर ये ज्यादा तब आपको नेट प्रॉफिट होगा अगर ये ज्यादा तब आपको नेट लॉस होगा तो चलिए फिर से हम लोग को अभी प्लस करने वाला प्लस करना है चलो इधर ही करते हैं है ना इसी को वर्किंग नोट बना लिया बैलेंस शीट को ही तो वन लैख थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दो हज़ार ऐसा लाइन से लिखने का ठीक है लाइन से तब जाके आसानी होती है वन थाउजेंड टू हंड्रेड एक हज़ार एक सौ छत्तीस चलो छः, तीन पाँच दो सात एक आठ एक दो तीन चार पाँच ठीक है पांच आएगा फिर इधर तीन वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स ठीक है दो हजार इधर अट्ठारह सौ और यहाँ पे लाख में है देखो इधर एक भी अमाउंट आपको लाख में दिखाई दे रहा है लाख में आपको कुछ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है नहीं ना मतलब आप समझ जाओ क्या समझ जाओ कि हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है क्योंकि दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड ठीक है लेकिन हमें इसे प्लस तो करना ही पड़ेगा चलिए करते हैं 2000 और 1800 चलो इधर करते हैं 2000 1800 फिर 1250 4100 2300 इतना सारा है 8000 चलो 8000 में इधर लिखती हूँ 4300 चलो अभी फटाफट से प्लस करते हैं ये ज़ीरो जीरो गया ये लो फिर ये ज़ीरो पाँच ठीक है ये सब कुछ यहाँ से गया पाँच आ गया आठ दो दस दस एक ग्यारह ग्यारह और तीन फोर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन सत्रह का साथ एक आ गया आठ दो दस दस एक ग्यारह ग्यारह एक बारह बारह चार सोलह सोलह दो सोलह दो कितना होता है अट्ठारह अट्ठारह चार बाईस बाईस एक तेईस यहाँ पे क्या आ गया ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी ठीक है क्या आया है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी तो अभी हम करेंगे क्या क्या करेंगे ये जो डेबिट अमाउंट हमको मिला है ना हम क्या करेंगे क्रेडिट में से उसको माइनस करेंगे सबसे पहली बात कौन सा ज्यादा है ये वाला ज्यादा है क्रेडिट वाला तो इसको हम क्या करेंगे दोनों साइड में लिख लेंगे तो चलिए लिखते हैं अभी मुझे इसे ना मिटाना पड़ेगा क्योंकि अभी नेट लॉस को जो नेट प्रॉफिट है उसे ना दोनों ये जो दोनों पार्टनर्स हैं ना उनमें बांटना भी है तो उसके लिए जगह चाहिए ठीक है तो नीचे आ जाते एकदम नीचे शायद से आपको दिखेगा ठीक है तो ये देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये जो भी हमको टोटल मिला है क्या मिला है वन लैक थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स ठीक है तो ये मैंने इधर लिख दिया अभी ये साइड भी मुझे लिखना पड़ेगा तो लिख देती हूँ ना यहाँ पर वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स ठीक है चलिए ये थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया चलेगा कोई बात नहीं बस आपको समझ में आना चाहिए ठीक है तो ये हमने कर दिया अब हमको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे चलो माइनस करते इधर छः आ गया और तीन में से पाँच नहीं जाने वाला इसने इसको एक दे दिया तेरह में से पाँच जाएगा तो आठ इधर जीरो आ गया फिर पाँच में से दो जा... तीन जाएगा दो इधर एक कितना आया वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड एटी सिक्स ठीक है इतना हमको क्या हुआ है नेट प्रॉफिट हुआ है ओके ये हमारा प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वन लैख कितना आया वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड एटी सिक्स ठीक है ये लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये थोड़ा कॉलम है ना थोड़ा सा मैं उधर करके बनाती हूँ ओके okay, ऐसे और ये भी पूरा मिटा देती हूँ रुकिए एक मिनट इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स ये है हमारा टोटल ठीक है अभी प्रॉफिट कितने का हुआ वन वन टू जीरो एट सिक्स ठीक है वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड एटी सिक्स रुपये का हमको क्या हो रहा है नेट प्रॉफिट हो रहा है ठीक है अब देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या दिया गया था जो भी प्रॉफिट होगा ओके उसे हम लोग क्या करेंगे इक्वली शेयर करेंगे मतलब जो दोनों पार्टनर्स है ना उनको इक्वली बांटा जा रहा है ठीक है तो अभी इसका हाफ कर दो ठीक है बराबर बराबर भागों में बांटना है ना तो ये जो आया है ना इसको हम लोग क्या करेंगे हाफ कर देंगे और दोनों को दे देंगे ठीक है वन इज टू वन वहां पर लिखा था वन इज टू वन का मतलब क्या होता है देखो आपको ये भी बता देती हूँ वन इज टू वन यानी क्या वन प्लस वन कितना होता है टू तो आप क्या लिखोगे पहले को कितना देना है वन अपॉन टू ऐसे लिखोगे अगर यहाँ पे ऐसे रहता है वन इज टू टू तो फिर वन प्लस टू कितना होता है थ्री तो आप क्या लिखते हैं वन अपॉन थ्री और दूसरे वाले को टू अपॉन थ्री ठीक है ये रेशियो में आपको बांटना पड़ता है ओके अभी हमने क्या लिखा है one is to one, कि हम क्या करेंगे one upon two. पहले को को और दूसरे को भी one upon two. मतलब जितना भी प्रॉफिट आया उसका हाफ तो इसका हाफ करते हैं चलो कैसे हाफ किया जाता है वो भी आप समझिएगा कितना दिया है? एक, एक दो जीरो आठ छह ठीक है इसको टू से डिवाइड करो टू फाइव जेन वन बचेगा टू सिक्स फिर यहाँ पे जीरो है तो जीरो को लिख लेना टू फोर जू थ्री सिक्स फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी थ्री ठीक है तो दोनों को वही मिलेगा बराबर है ना बराबर बराबर भागों में हमने बांटा तो क्या लिखना है आपको आपको बताती हूं देखो यहां पर आपको लिखना चाहिए ध्यान से देखिएगा थोड़ी सी यहां पे जगह की कमी है पर आप अगर ध्यान से देखोगे मैं ऐसे आपको जूम करके भी दिखा दूंगी तो आपको समझ आएगा ठीक है यहां पे आप लिखिएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है ऐसे आपको लिखना है फिर दोनों पार्टनर्स का नाम लिखोगे क्या क्या नाम लिखोगे पहले का नाम क्या था अमित भाई तो यहाँ पे आपको अमित भाई लिखना है दूसरे पार्टनर का नाम लिख दीजिए नरेंद्र भाई ठीक है तो अमित भाई का प्रॉफिट कितना वो देखो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी थ्री तो यहाँ पर लिखेंगे फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी थ्री और जो नरेंद्र भाई है उनका भी प्रॉफिट कितना फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी थ्री ठीक है और फिर ये दोनों का टोटल किया तब जाके हमको मिलता है वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड एटी सिक्स ठीक है तो आपको ये लिखना है फिर इसके सामने जो लाइन रहेगी आपको ये अमाउंट लिखना है और ये थोड़ा नीचे लिखोगे ठीक है ये जो है ना आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए देखो इस प्रकार से इसके नीचे आप ये टोटल वाला लिखोगे ठीक है टोटल करते हैं तो इस प्रकार से हमको कर देना चाहिए ओके चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी काम यहाँ पे खत्म हुआ ठीक है तो ये भी हमने कर लिया अब बारी है पार्टनर्स कैपिटल की तो चलिए उस पर चलते हैं अभी इसमें हमें करना क्या पड़ेगा तो ये जो दोनों जन का प्रॉफिट आया है ना इसे हम लोग क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो अभी ये कौन सा साइड में जाएगा ये अभी डेबिट में है ना तो अब जाएगा क्रेडिट में क्या लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलिए लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है तो क्या आएगा प्रॉफिट कितना है अमित भाई का बता दीजिए फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी थ्री यहाँ पे लिख देंगे फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी थ्री ठीक है दोनों जन का उतना ही है तो लिख देते हैं मेरे साथ साथ आप लोग कर दे जाइएगा फोर्टी थ्री ठीक ये कर दिया हमने उसके बाद अभी क्या करेंगे टोटल करेंगे देखते हैं कौन सा साइड ज्यादा है वैसे तो यही वाला ज्यादा होगा पता है मुझे तो कितना आएगा ये दोनों को प्लस करते हैं तो थ्री लैख और ये आम, कितना आएगा चलो इधर जोड़ करके देखते हैं इधर ही मैं करती सब हम लोग यहीं पे करेंगे थ्री लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी थ्री ठीक है चलो प्लस करते दे तीन चार इधर जीरो छ पाँच थ्री लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी थ्री चलो थ्री लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी थ्री ठीक ये तो मैंने लिख दिया अभी यह इसका क्या करें है ना इसको भी प्लस करते हैं तो थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड में देखो इधर कर देती हूँ थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड में इसको प्लस करना है तो तीन चार जीरो छः पाँच पाँच दस चार फोर लैख सिक्स थाउजेंड फोर्टी थ्री तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा देखो थोड़ा सा ये मिटा रही हूँ इधर लिख रही हूँ फोर लैख सिक्स थाउजेंड फोर्टी थ्री ठीक है ना दोनों तरफ आपको यही लिखना पड़ेगा क्योंकि यही वाला अमाउंट क्या है ज़्यादा है तो चलिए अभी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर अभी इधर क्या लिखेंगे थोड़ा इसको दूर तक करते हैं और थोड़ा इसको भी ऐसे कर देते हैं आप लोग ऐसे मत कीजिएगा आप लोग थोड़ा जगह जगह आप लोग थोड़ा जगह छोड़े रहोगे ना मेरा तो कम पड़ रहा है इसके लिए मैं ऐसा कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ ऐसे मत करना ऐसे नहीं करना है आपको सीधे सीधे लाइन बनानी है चार जीरो छः ज़ीरो चार तीन इधर तीन पाँच छः जीरो फोर तीन ठीक है चलिए इतना काम तो हमने कर लिया अब क्या करेंगे अभी यहां पे हमें अमाउंट लिखना पड़ेगा कि इसमें से इतना माइनस करने के बाद कितना आता है ठीक है और उसको आप लोग कैसे लिखोगे वो भी आपको बताती हूँ सुनिएगा यहाँ पे आप लोग लिखेंगे टू बैलेंस डाउन क्या लिखोगे टू बैलेंस डाउन ठीक है अब इसमें से इसको माइनस करो ये जो आया है ना इसमें से आप 2400 को माइनस करो देख, चलो देखो कितना आता है तो माइनस करते हैं तीन चार दस में से चार जाएगा छः और पांच में से दो जाएगा तीन तो यहाँ पे आ गया फोर लैख थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोर लैख थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री ठीक है बहुत ज्यादा छोटा हो गया थोड़ा बड़ा करती हूँ फोर लैख थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री अब ये जो अमाउंट हमको मिला है ना इसमें से हम इसको माइनस करते हैं चलिए क्या आया है थ्री लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी थ्री इसमें से माइनस करते हैं तीन हजार दो सौ को तीन चार दस में से दो जाएगा आठ पांच में से तीन जाएगा तो दो थ्री लैख फिफ्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री वैसे आप लोग आंसर देख सकते हो आपके टेक्सट बुक में ना आंसर भी दिया गया है ठीक है भले ही उसका सॉल्यूशन नहीं दिया लेकिन उधर नीचे आंसर दिया रहता है ठीक है तो आप लोग उसमें से मिला सकते हैं ओके तो लिख दो मैं यहाँ पर थ्री लैख फिफ्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री थ्री लैख फिफ्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री चलो इधर नीचे लिख देती हूँ ठीक है चलिए इतना काम हमने कर लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी काम खत्म अभी उसकी तरफ नहीं देखना है अभी बस हमको बैलेंस शीट की तरफ देखना है ठीक है और सबसे मेन काम तो यही होता है ये टैली होना चाहिए अगर आपका बैलेंस शीट टैली हुआ मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड आया तब तो आपने कोई गलती नहीं की लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तब तो पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है ठीक है इसीलिए अभी ध्यान से करना है तो क्या करेंगे हम सबसे पहला ये जो अमाउंट है ना इसको ट्रांसफर करेंगे इधर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है अमित भाई नरेंद्र भाई तो अमित भाई का कैपिटल और नरेंद्र भाई का कैपिटल देख लीजिए कितना आया है नरेंद्र भाई तो ये कितना है फोर लैख थ्री थाउजेंड सिक्सटी फोर लिख देते हैं सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री फोर लैख थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री और नरेंद्र भाई का थ्री लैख फिफ्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री दोनों को प्लस कर देते हैं तीन तीन छ तीन तीन छ चार चार आठ छ आठ फोर्टीन वन आ जाएगा तीन दो पाँच एक छः फिर पाँच चार तीन सात कितना आया देखो सेवन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी सिक्स ठीक है चलिए इतना काम तो हमने कर लिया अब हमें क्या करना है बस अभी प्लस करते जाना है ठीक है तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड को करो उसके बाद असेट साइड को अगर ये दोनों बराबर आए तब तो हमने ये जो इतनी मेहनत की हमारी मेहनत सफल लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आए तो फिर तब तो कहीं पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है हमने तो चलो चेक करते हैं है ना भगवान जी का नाम लेके इसको टैली करते हो जाए तो बहुत अच्छी बात है वैसे होना ही चाहिए कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मेरे ख्याल से तो नहीं किया चलो करें तो कहाँ पे किया जाए यहाँ पे करते हैं ये जगह किस दिन काम आएगा सेवन लैख फिफ्टी सिक्स फोर हंड्रेड एंड एटी सिक्स ठीक है अभी ये सभी भी लिखना एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टीन थाउजेंड एक हजार एक सौ चलो इधर ये आ गया छः इधर आ गया ये आठ पाँच पाँच दस दस एक ग्यारह चार पंद्रह आठ आठ सोलह सोलह और पाँच सोलह पाँच कितना होता है सोलह पाँच इक्कीस बाईस बाईस छः अट्ठाईस ठीक है दो आ गया इधर पाँच तीन आठ आठ एक नौ नौ दस ग्यारह कितना आया एट लैख एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एटी सिक्स ये देखिए यहाँ पे तो आपके टेक्सट बुक में देखो कितना दिया है बैलेंस शीट का टोटल कितना दिया है एट लैख नाइनटीन थाउजेंड ओके तो अब इसका क्या किया जाए एक बार फिर से मैं प्लस करती हूँ और फिर देखते हैं सही है कि नहीं ठीक है एक बार फिर से करते क्योंकि ये तो गलत आ गया तो ऐसे नहीं चलेगा आठ आठ सोलह सोलह पाँच इक्कीस बाईस बाईस और ये छः अट्ठाईस ही होता है अच्छा इधर से देखो हमने कैरी नहीं लिया ना आ, पाँच पाँच दस दस, दस एक ग्यारह ग्यारह चार पंद्रह ओके इधर नाइन आएगा ठीक है देखो देखो मैं ही गलती कर रही थी तो एट लैक नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एटी सिक्स एक बार अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए आपको पता चलेगा टेक्स्ट बुक में देखो वही दिया गया है आपका क्वेश्चन देखो क्वेश्चन उसके नीचे ना आंसर दिया रहता है ठीक है तो बैलेंस का टोटल कितना दिया एट लैक नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एटी सिक्स लाइबिलिटी साइड तो आ गया तो चलो लिख देते हैं और फिर साइड को भी प्लस करेंगे यहां पर हम लोग फाइनली लिख देते हैं एट नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एटी सिक्स ये तो हो गया अब इसको भी करो ये भी होना चाहिए तभी इसको सही माना जाएगा नहीं तो फिर गलती तो चलो करते हैं ठीक है बड़े आराम से करेंगे तो दो लाख अस्सी हज़ार सेवन सेवेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड दो लाख अस्सी हज़ार सेवेंटी अस्सी हज़ार ठीक है जीरो में गड़बड़ नहीं सेवेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके फिर टू लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड थर्टी सिक्स टू लैख नहीं है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है थर्टी सिक्स ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स फिर फोर्टी टू थाउजेंड तो फोर्टी टू थाउजेंड फिर उसके नीचे पहले इतना कर लेते बाद में उसके आगे वाला करेंगे ठीक है मैं एक काम करती हूँ मैं ना मोबाइल से कर देती हूँ आप लोग आप लोग थोड़ा अपने हाथ से कीजिएगा ठीक है तो ये ऐसा करने में बहुत ज़्यादा जगह जा रहा है ठीक है तो मैं मोबाइल से करती हूँ आप लोग प्लीज़ कीजिएगा अच्छे से दो लाख अस्सी हज़ार सेवेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस सेवेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स थ्री सिक्स फोर्टी टू थाउजेंड बीस हजार सत्तर हजार यस सत्तर हजार फिर जाके आठ हजार सात सौ पचास यस वन लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड वन लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी वन थाउजेंड यस उसके बाद फोर्टी थ्री थाउजेंड यस एकदम वही आया एट लेख नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एट्टी सिक्स मतलब कि हमने जो कुछ भी किया एकदम सही किया है कुछ भी गलती नहीं किया है तो इधर आप लिख दीजिए खुश हो जाइए हमारा आंसर आ चुका है बैलेंस शीट टैली हो गया बैलेंस शीट टैली हुआ ना तब तो खुश हो जाने का तो इसका टोटल कितना आया लिख दीजिए यहाँ पर तो ये देखिए फाइनली आपका बैलेंस शीट टैली हो गया है तो हमने यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर वन था ठीक है अनसॉल्व प्रॉब्लम में उसको सॉल्व कर लिया है मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया ही होगा मैंने आपको पहले ही बोला था आप मेरे साथ साथ करोगे तो आपको समझ में आएगा और आप सभी लोगों ने किया भी होगा राइट right? तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था तो ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया अभी इसके आगे और भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही ठीक है एक क्वेश्चन किया ना बस हो गया अभी आगे वाले वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे यानी एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन करो क्योंकि आप देख सकते हो ये वीडियो कितना लंबा है तो एक ही में अगर आपको दो तीन क्वेश्चन बताने लगी तब तो आप आप एकदम से बोर हो जाओगे तो आपको बोर नहीं होना है एक दिन में बस एक ही क्वेश्चन कीजिए और अच्छे से कीजिए ठीक है थीके? तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे जो हमारा इलेस्ट्रेशन नंबर टू है अनसोल्व प्रॉब्लम है उनको उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है ना और सुनिएगा आप ना मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको ये चाहिए पी फॉर्मेट में तो मैं उसमें क्या करूँगी इसका पी बना करके उसमें अपलोड कर दूंगी तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो और वर्किंग नोट भी आपको लिखना है वर्किंग नोट नीचे लिखा जाता है ये सब कुछ बनाया ना उसके नीचे डब्ल्यू एन करके आप लिखते जाइएगा ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में धन्यवाद